तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, फाइनली फ्री फायर अनबैन हो चुका है इंडिया पर, और गरीना फ्री फायर ने कोलैबोरेशन कर लिया है एमएस धोनी सर के साथ, और एमएस धोनी सर का एक नया करेक्टर आने वाला है इन गेम पर, जो गाइस थाला के नाम से होने वाला है। ये आप लोगों को सबको पता है, और थाला करेक्टर का एबिलिटी क्या होने वाला है, तो अगर आप लोगों को ये जानना है तो आप लोग यार कॉमेंट कर देना। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए फुल वीडियो डीपली से बनाकर मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग थाला करेक्टर को बिल्कुल फ्री में कैसे ले सकते हो, एक भी बिना डायमंड दिए, बिना पैसे लगाए। हाँ गाइज, आप लोग बिल्कुल सही सुने कि आप लोग थाला करेक्टर को बिल्कुल फ्री में ले सकते हो बिना कोई इन्वेस्ट किए। तो चलिए, कैसे लेना है तो चलिए मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा इस चैनल पर लेकर आते हैं सबसे पहले। तो इस बात के लिए आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से करना पड़ेगा। तो थाला करेक्टर को लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर टोटल सब कुछ समझा देने का ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि थाला करेक्टर मतलब यानी कि एमएस धोनी के करेक्टर लेने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि गरीना फ्री फायर जो है कोलैबोरेशन किया है एमएस धोनी के साथ, और यहाँ बहुत सारे इवेंट वगैरह आने वाला है इन गेम पर धोनी के नाम से, मतलब थाला के नाम से, कुछ भी नाम से होने वाला है। यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो कैलेंडर यहाँ पर लीक निकल के आ रहा है, जो गाइज आप लोग इधर देख सकते हो। इस कैलेंडर में यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों को ये करेक्टर भी दिया जाएगा, मतलब एमएस धोनी का करेक्टर भी दिया जाएगा, और भी गाइज रिवॉर्ड वगैरह देख सकते हो। तो चलिए, हम लोगों का मेन मुद्दा है करेक्टर, कि आप लोग करेक्टर को कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पर कुछ दिया है, लेकिन ये करेक्टर आप लोगों को बहुत सारे मिशंस वगैरह को कंप्लीट करने के बाद ही गाइज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सारे मिशन दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर देख सकते हो कैलेंडर पर कि कुछ टोकन भी दिया गया है। आप लोगों को बहुत सारे टोकन भी इकट्ठा करना, और इकट्ठा कर लेने के बाद गाइज हो सकता है कि करेक्टर आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को बहुत सारे मिशंस रहेगा, और जिस दिन इस इवेंट का पीक डे रहेगा उस दिन आप लोगों को करेक्टर दे दिया जाएगा। इस तरीके से कुछ हो सकता है जिससे हम लोगों को थाला करेक्टर मिल सकता है। और थाला करेक्टर के बारे में और भी अगर ज़्यादा कुछ जानना है तो आप लोग यार कमेंट करो, और कमेंट करके मुझे बताओ। तो आई होप कि गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों के लिए ऐसा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा इस चैनल पर लेकर आने सके। जय हिंद, वंदे मातरम।